पेपर फर्स्ट, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, इसके यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल। तो हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होता है, और सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत, जो कि सीधा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में विस्तार से लिखी है उसके बारे में पूछा जाता है, और वो सिद्धांत है यहाँ पे हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तरल मोज़ेक मॉडल की अगर बात की जाती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्सेप्टेबल मतलब मान्य सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो दिया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, एस जोनाथन सिंगर ग्रैथ एल निकोलसन। दोनों साइंटिस्ट ने 1972 के अंदर 1972 में यह सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी जो खास बात थी वो क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इन्होंने सबसे पहले बात की किसकी की है, प्रकृति की। और प्रकृति इन्होंने क्या बताई कैसी होती है, क्वासी फ्लूइड। कैसी प्रकृति इन्होंने बताई है, क्वासी फ्लूइड प्रकृति इन्होंने बताई है। क्लियर बात यहाँ पे। अब इस क्वासी फ्लूइड की अगर बात की जाती है तो इन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम की हेल्प से आपको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो ये है हमारा तरल मोज़ेक सिद्धांत, और तरल मोज़ेक सिद्धांत की अगर बात की जाती है तो इन्होंने भी वही तरीका बताया, कौन सा, कि PLLP। आप एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम से आपको इसे समझने में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक बार डायग्राम समझ में आ जाता है तो आप इस डायग्राम को खुद की अकॉर्डिंग भी आप उसको सेट कर सकते हैं। तो अगर डायग्राम की बात की जाती है तो डायग्राम के अंदर जो सबसे बाहर आपको ग्रीन कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर है हमारी प्रोटीन की लेयर, जो कि दोनों तरफ हमें देखने को मिली। बीच में जो लेयर है वह हमारी लिपिड बाई लेयर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो आपको बाहर की तरफ रेड कलर से और ब्लैक कलर से जो आपको सिंगल लाइंस दिखाई दे रही है, ये सिंगल लाइंस क्या है, तो इसमें से एक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और जो ब्लैक कलर की है, इधर मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ इसको, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद हम अगर बात करें कि इसके अंदर लिपिड की अगर बात की जाती है तो लिपिड कैसा है, इसमें फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे, फॉस्फो लिपिड। फिर बीच में आपको ये रेड कलर की एक बड़ी सी पट्टी वापस दिखाई दे रही होगी, ये कहलाते हैं इसके अंदर कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर की जो अलग से जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। आप चाहें तो इसे इस लेयर को आप बढ़ा भी कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि इतना बीच में गेप रहेगा, इसमें चाहे कैसे बड़ा भी कर सकते हैं। वाहक प्रोटीन, और इसी का दूसरा नाम यहाँ पे होगा हमारे पास चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर तो लगभग सैंडविच मॉडल के जैसे ही आपको दिख रही है, बट इन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो ये प्रोटीन है ये बिल्कुल टाइट चिपके हुए नहीं रहते, ये बिल्कुल इस तरीके से रहते हैं लूज। और लूज रहने की वजह से इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन है वो एक प्रकार की गति करते हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, पार्श्वीय गति। कौन सी गति इन्होंने बताई है इसको, पार्श्वीय गति। और पार्श्वीय गति की वजह से ही झिल्ली कैसी होती है, अर्धठोस। क्लियर बात यहाँ पे, तो प्रोटीन की जो गति होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे पार्श्वीय गति होती है। और पार्श्वीय गति की वजह से ही जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है, अर्धठोस प्रकृति की होती है, क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। दूसरी बात कि बीच बीच में इसमें जो है वाहक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन दिए गए हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ये किसी भी पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आर पार करने में सहायता करते हैं। और साथ में ये तो क्या करेंगे, पदार्थों के स्थानांतरण में शायद हेल्प करते हैं। और ये जो बाहर की तरफ आपको ये दिख रहे हैं सिंगल लाइन जो रेड कलर की और ब्लैक कलर की है, ये क्या काम करती है, तो ये चेक करती है, मतलब एक तरीके से हम कहें तो ये किसका काम करती है, चेकिंग का। किसकी चेकिंग, कोशिका झिल्ली के आर पार जो पदार्थ होता है, मतलब जो कोशिका झिल्ली के बाहर जा रहा है और उससे अंदर आ रहा है, उन पदार्थों की चेकिंग कौन करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट करते हैं। इसलिए इन दोनों को किसके नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन दोनों को हम कोशिका झिल्ली की आंख और कान के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनको किसके नाम से जाना जाता है, आंख और कान के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कौन से प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें आंतरिक प्रकार के आंतरिक प्रोटीन होते हैं जो कि अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। जबकि ये जो चैनल प्रोटीन और जो वाहक प्रोटीन होते हैं, और इसके अलावा जो बाहर प्रोटीन लेयर है, ये किसके नाम से जानी जाती है, यहाँ पे बाहरी प्रोटीन के नाम से, किसके नाम से, बाहरी प्रोटीन के नाम से। क्लियर बात यहाँ पे, तो इस प्रकार इन्होंने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, आंतरिक प्रोटीन और बाहरी प्रोटीन। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी थ्योरी की अगर बात की जाती है, तो थ्योरी के अंदर आपको क्या लिखना है कि इन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में जो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि जो कोशिका झिल्ली की प्रकृति बताई थी, उसके जितने भी लक्षण हैं वो सारे के सारे लक्षण इन्होंने बताए, तो वो भी आप एज इट इज लिखेंगे। इसके अलावा आप ये डायग्राम लिखेंगे, देन वो जो डायमीटर वाली जो बात है जो कि सैंडविच मॉडल में बताई गई थी, वो भी इन्होंने एज इट इज वही रखी है। कितनी, तो इन्होंने क्या बताया कि ये कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की। मतलब इन्होंने एक तरीके से सैंडविच मॉडल को ही तो मॉडिफाइड किया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। तो इसलिए हम इसके अंदर इनकी जो थ्योरी है वो नहीं लिख पा रहे, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो आप उन्हीं को इसके साथ में ऐड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।